आज हम लोग पढ़ेंगे आई चैप्टर का, कौन सा चैप्टर? आई चैप्टर। तो आज का चैप्टर का नाम है हम लोग का मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मानव नेत्र क्या होती है और रंग बिरंगा संसार का मतलब क्या होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि मानव नेत्र का मतलब क्या है, मानव नेत्र का मतलब होता है कि मनुष्य की आँखें क्या होती है, मनुष्य की आँखें, मनुष्य की आँखों की पार्ट क्या होती है, कौन कौन सी पार्ट है, कौन सी पार्ट का क्या नाम है, है ना, कौन सी पार्ट का क्या नाम है, कौन सी पार्ट का कौन सा काम है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद ये रंग बिरंगा संसार का मतलब क्या होता है, ऊपर से तो प्रकाश की लाइट तो एक ही कलर का आती है, लेकिन हमें ये सब कलर जैसे ग्रीन, रेड, ब्लैक, ब्लू ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, इसके बारे में जानेंगे। आसमान का रंग ब्लू क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में जानेंगे। सब समुद्र के पानी नीला क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में जानेंगे, है ना। जैसे कैसे व्हाइट लाइट पास करती है एक प्रिज्म में तो 7 कलर में कैसे बढ़ जाती है, इसके बारे में जानेंगे। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये नहीं बेसाबते सारे चीज़ें। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको कि सुबह में जैसे सुबह में सूरज की किरणें निकलती है तो रेड कलर का दिखाई देती है, लेकिन वही शाम को दिखाई देती है रेड का, लेकिन बाकी दिन में एकदम पूरा व्हाइट दिखाई देती है, आखिर ऐसा क्यों होता है, ये सारे चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, मानव नेत्र के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो मानव नेत्र का सबसे पहला ये काम है कि अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि देखिए कि अगर आपके पास मान लीजिए सपोज फिलहाल के लिए आँख अपनी बंद कीजिए और एज्यूम कीजिए तो आपको कोई चीज़ कैसे दिखाई दे रही है, या तो किसी चीज़ को जब आपकी आँखें ना हो, ऐसा ना करें कि आपके साथ तो हो, मतलब कि अगर किसी की आँखें ना हो तो उसको दिखेगा कोई चीज़, या तो टच करके देखेगा कि भाई ये क्या है, जैसे कि दिखेगा कोई, मतलब कि आनंद होता है लोग जिसको मतलब कि पूरी आँखें से मतलब क्या है मतलब क्या अंधा होता है, वो क्या करे किसी चीज़ को टच करके बताता है कि भाई क्या है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद या तो फिर उसको स्मेल करके बताएगा भाई क्या है, या फिर चख के बताएगा क्या है, लेकिन क्या कम्प्लीटली वो पहचान पाएगा कि रियल में क्या है, नहीं, आधा अधूरी नॉलेज मिलती है। तो आपकी आँखें जो है ना एकदम परफेक्ट नॉलेज देती है, इस चीज़ को आप देख करके पहचान लीजिएगा भाई अब क्या है, किस कलर का है। हद तक चलिए किसी चीज़ को पहचान लेना तो समझ में आ रहा है, स्मेल से पहचान लेते हैं, टच करके पहचान लेते हैं, या फिर चख करके पहचान लेते हैं, लेकिन आज एक और बात बताइए कि अगर आँखें नहीं है जिसकी, वो कौन सा कैसे पहचानेगा कि भाई ग्रीन क्या होती है, रेड क्या होती है, ब्लू भाई कैसे पहचानेगा यार। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके बॉडी में 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती है और 5 ज्ञान इंद्रियाँ से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियाँ कौन सी है, आपकी आँखें हैं। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी आँखों को सुरक्षित रखिएगा और जितना हो सके उसको बचाइएगा, बात समझ में आ रही है। तो आज हम लोग बात करेंगे आपकी आँख के बारे में, पूरा डिटेल्स बात करेंगे कि कैसे क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या है। आप एक छोटा सा बात बता रहा हूँ आपको, एक कैमरा में अगर 60 अगर आपके कैमरा है और कैमरा में अगर 64 मेगापिक्सल 70 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, लेंस मिल जाता है, तो आप समझते हैं कि वाह क्या बात है, बहुत बड़ी लेंस मिल गई हमको। लेकिन आपके अल्लाह ताला ने यानी कि ऊपर वाले ने आपको 576 मेगापिक्सल का कैमरा, आपके लेंस आपके आँख में लगाया हुआ है, आप उसकी इज्जत नहीं करते। आँख आपकी एक कैमरा की तरह काम करता है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी फोटो खींच रहे हैं, बात समझिए, फोटो तो खींच रहे हैं, तो वो चीज़ हमको स्टोर करके रख लेते हैं, उसके लिए हमारे कैमरा में फ़ोन में मेमोरी होती है। लेकिन अगर वहीं किसी चीज़ को हम देख लेते हैं तो उस चीज़ को देख करके कुछ दिन तक याद रखते हैं, तो हमारे आँखों में हमारे ब्रेन में क्या है जो उसको स्टोर करके रखता है, कुछ समय बाद दिखेगा तो आप पहचान लीजिए। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, बात समझ में आ रही है। यस, तो आपकी आँखें एक कैमरा की तरह काम करती है और किसी चीज़ को कैसे याद करती है, कैसे रखती है। और जैसे कि आपके कैमरा मान लीजिए आपके पास कैमरा है, फ़ोन है, पूरा फ़ोन में पूरा स्टोरेज भरा हुआ है, एक जगह भी खाली नहीं है, तो आप कैमरा का फोटो जो खींचेगा वो कहाँ जाएगा, या फिर आपके फ़ोन में मेमोरी नहीं है, कोई जगह स्पेस नहीं है, कहाँ जाएगा। तो जिस तरीके से आपकी मेमोरी काम करती है, स्टोरेज का काम करती है, फ़ोन में स्टोरेज का काम करते हैं, उसी तरीके आपके आँख में या आपके बॉडी में एक स्टोरेज है जो आपके आँख से कैप्चर किया जाएगा चीज़ को, क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले हमने आँखों की पार्ट क्या होती है, जैसे मान लो सपोज मान लें हमने एक हमारी आँखें हो गई, आँखों के कुछ पार्ट्स हो गए, सपोज फिलहाल में मैंने मान लिया यहाँ पे आपकी ये हमारी आँखें हो गई, नहीं आँखें हो गई, और ये आँखों के पीछे थोड़ा सा एक और हम एक टुकड़ा बना लेते हैं इसका, चलिए ठीक है, फिलहाल में मैंने इसको बना लिया ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा और आगे आएगा और ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा
और यहाँ पे एक थोड़ा सा लेंस होता है छोटा सा। इस सब कुछ हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे कौन सी चीज़ होती है। ये सपोज एक तरीके की आपकी आँख होती है, तो जो भी आपकी आँख होती है, आपको मैंने ब्रीथ पढ़ाया था, तो ब्रीथ का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक के चीज़ों को क्या कहते हैं हम लोग, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। देखिए तो आपका आँख भी कहीं ना कहीं एक गोल की तरह है, गोला की तरह है, इसका भी कुछ व्यास होगा कि नहीं होगा। तो आपकी आँख का व्यास यानी किसी भी आँख का व्यास जो होती है ना, क्या होती है बुआ, आँख का व्यास होती है यानी कि आईज की व्यास क्या होती है, लगभग 2.3 सेंटीमीटर आपके आँख के व्यास होती है। बात समझ में आया? तो हाँ, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये तो बात समझ में आया आँख की व्यास होती है। उसके बाद आँख में आपके कुछ ऐसी पार्ट दिखाई देती है, कुछ ऐसी पार्ट देखिएगा। सपोज मान लीजिए हमारे आँख ये है, तो यहाँ पे कुछ व्हाइट पार्ट दिखाई देता है, बीच में ब्लैक दिखाता है, उसके बीच में भी होल दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। तो इसी तरीके से जो आपका व्हाइट पार्ट दिखाई देता है, ये व्हाइट पार्ट आपके आँख में या फिर आप किसी सामने वाले आँख को देखिएगा, उसके आँख में व्हाइट चीज़ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? व्हाइट चीज़ दिखाई देता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? दृष्टि पटल कहते हैं। यानी कि वो व्हाइट वाला जो आपके आँख में व्हाइट वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, उसको क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर आप एक फ़ोन खरीद रहे हैं, फ़ोन के ऊपर आगे भी ग्लास छपवाते हैं, पीछे कवर लगाते हैं, तो अल्लाह ताला ने यानी ऊपर वाले ने आपके पास जो एक लेंस दिया है, जो आँख दिया है, क्या उसके ऊपर ट्रिपल ग्लास नहीं लगाया होगा? क्या उसके ऊपर एक कवर नहीं दिया होगा? तो वो कवर जो दिया है ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब कोई चीज़ अगर हम अपने नज़र के सामने भी रखें तो उस चीज़ की वस्तु दिखाई देती है। यानी कि कोई चीज़ हम सामने रख रहे हैं ना, तो यानी कि इस चीज़ को आँखें, जैसे मान लीजिए एक प्लेन शीशा ले लीजिए, तो अपने आँख के सामने रखिएगा तो उस चीज़ दिखाई देगा, साइड दिखे, उसी को कहते हैं पारदर्शी। जैसे कि एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे फिलहाल में ये देख लीजिए, एक प्लास्टिक का मेरे पास छोटा ही है, मैं क्या करूँ, ये छोटा है। अगर आप अपने आँख के सामने एक मान लीजिए कपड़ा रखने वाला प्लास्टिक है, उसको आप अपने आँख के सामने रखिएगा तो साइड वाला चीज़ दिखाई देगा, इसी को कहते हैं पारदर्शी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? तो आपके आँख के ऊपर एक जो टेम्पल ग्लास लगा हुआ, या फिर आप ही के फ़ोन में जो टेम्पल ग्लास लगा होता है, वो क्या होता है? पारदर्शी होता है कि नहीं होता? तभी तो नीचे फ़ोन में जो चल रहा है वो दिखाई देता है आपको। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से आपके आँख के ऊपर जो एक कवर लगा होता है, वो पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है। उसे को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। बात समझ में आया? जो आपके आँख में जो टेम्पल ग्लास यानी कि जो झिल्ली लगी होती है, जो कवर लगा होता है, उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कॉर्निया कहते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल कहते हैं। बात समझ में आया? तो हाँ, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉर्निया, कॉर्निया कहते हैं। बात समझ में आया? चलिए, ये बात समझ में, दो चीज़ समझ ली आपके व्हाइट पार्ट को क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं या एस्केलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल या एस्केलेरा, इंग्लिश में लिखिएगा एस्केलेरा। बात समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये कर्निया के जस्ट पीछे, यानी कि जो कवर लगा होगा उसके जस्ट पीछे आप देखिएगा, आपने तो समझ गया इसमें का जो व्हाइट पार्ट होता है, जो उजला होता है, उजला जो होता है उसको क्या कहते हम लोग? दृष्टि पटल कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अगर जो इसमें वाई ये ब्लैक वाला होल दिखाई दे रहा है, ब्लैक वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस ब्लैक वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? आयरिस कहते हैं, यानी कि आयरिस। बात समझ में आया? जिसको एक और भाषा में आयरिस कहते हैं या परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं, या बहुत सारे लोग परिनालिका कहते हैं, परिनालिका। बात समझ, जो आपके आँख में व्हाइट वाला दिखाई दे उसको क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं या एस्केलेरा कहते हैं। लेकिन वही जो आपके आँख में जो ब्लैक कलर का एक होल गोल सा दिखाई देता है ना, उसको आयरिस कहते हैं या क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। बात समझ में आई? यानी कि वो कहाँ पे होता है? थोड़ा यहाँ पे होता है, ये जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ ना, यही आपका क्या है? आयरिस यानी कि परितारिका है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और इसका काम क्या है भी बताऊँगा आप लोगों को, चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे
यहाँ पे जो ब्लाइंड स्पॉट आपको खाली जगह दिखेगा, किसी की आंख में ब्लैक वाला में पूरे गौर से दिखेगा ना, तो उसमें एक आपको होल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? होल दिखाई देता है। उसी होल का, इस वाले होल का नाम क्या है? प्यूपिल नाम है। क्या नाम है? प्यूपिल। यानी उसको कहते हैं हम लोग पुतली कहते हैं, या इसको कहते हैं नेत्र द्वार कहते हैं। बात समझ में आया? नेत्र द्वार या पुतली कहते हैं। यही वो चीज़ है जो आपसे एक सवाल कर दिया जाता है कि आपके बॉडी में वो कौन सा पार्ट है कि जो दिन में छोटा हो जाता है और रात में बड़ा हो जाता है। वही आपके पार्ट है आपकी आँख की, ये जो पुतली है यही दिन में क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है और रात में बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप धूप में जाके घूम रहे हैं, कहाँ जा घूम रहे हैं? पूरे धूप में जाके घूम रहे हैं, और धूप में से जब आप अंदर आते हैं तो आपको क्या होता है, धूप में बहुत अच्छी चीज़ दिखाई देती है, लेकिन वहीं जब अंदर आते हैं तो वो चीज़ें क्या होती है, आपको धीरे धीरे दिखाई देना बंद क्या होता है, सॉरी ऊपर क्या होती है, बाहर सब कुछ दिखाई देती है, लेकिन आप अंदर आइएगा ना तो कुछ नहीं दिखाई देगा, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, कुछ समय के बाद दिखाई देने शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों कि बाहर दिखाई दे रहा था, जब हमने रूम के अंदर आया तो नहीं दिखाई दिया? क्यों? ऐसा देखिएगा, ये काम करता है नेत्र द्वार, मतलब द्वार का मतलब द्वारी, द्वारी जो हम लोग अपने भाषा में कहते हैं द्वारी, दरवाजा। ये इसलिए कि आपके आंखों को कितनी लाइट की जरूरत है, कितनी लाइट की जरूरत है, यहीं से जाएगा, यहीं से जाएगा। बात समझना ना। अब इसको कंट्रोल कर करता है, यही आइरिस कंट्रोल करता है। तो हम इसको कह सकते हैं, ये जब दरवाज़ा है, ये जब दरवाज़ा है तो इसकी सिपाही कौन है भाई? ये इसकी सिपाही है। यानी कि आइरिस आपको क्या काम करता है? सिपाही का काम करता है कि किसको अंदर जाने देना है, किसको नहीं अंदर जाने देना है। मान लीजिए अगर आप बहुत बड़े आदमी हैं तो आपके दरवाजे पर एक नौकर रहता है, ये एक सिपाही रहता है, तो आपको किसके अंदर जाना है, किसको अंदर नहीं जाना, वो डिसाइड करता है। वो भेजेगा तो जाएगा, नहीं तो भाई भगा दिया तो गया। उसी तरीके से कितनी लाइट की आपको ज़रूरत है, कितनी लाइट की ज़रूरत नहीं है, वो आपको आइरिस क्या करता है, अगर जिसको ज़रूरत के हिसाब से छोटा हो जाता है और बड़ा हो जाता है। जब आइरिस छोटा हो जाएगा तो जगह क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, पुतली छोटा हो जाएगा, और जब ये पुतली का होगा बड़ा होगा तो उसमें लाइट ज़्यादा जाएगा। बात समझ पा रही? बात समझ, फिर से बड़ा होगा बात कि अगर आइरिस, अगर मान लीजिए कि आप धूप में जाइएगा तो धूप की रोशनी क्या होती है, ज़्यादा तेज होती है, आइरिस छोटा हो जाएगा ताकि ज़्यादा धूप नहीं जाए, ताकि आपका आँख का लेंस वगैरह तो ख़राब ना हो, और वही जब अंदर आ जाएगा तो धीरे धीरे खुलेगा, क्योंकि सिकुड़ने की कैपेसिटी इसकी बहुत फास्ट है, लेकिन खुलने की कैपेसिटी बहुत कम है, धीरे धीरे खुलती है। बस समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से जब आप बाहर से जब अंदर आते हैं ना तो आपको क्या होती है कि धीरे धीरे दिखाई देती है। वहीं कभी देखेगा घर में बैठे हैं, अचानक बाहर निकलेगा धूप में तो कुछ देर के लिए कुछ जिसे धुंधला दिखाई देने लगता है, यही पुतली के कारण दिखाई देता है, नेत्र द्वार के कारण दिखाई देता है। इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है आइरिस, यानी कि परितारिका या परिनालिका। बात समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद आपको समझ गए होंगे कि इसमें जो ये ग्रीन कलर का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, या इसको कहते हैं परितारिका कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आगे चलिए, ये कॉर्निया समझ गए, आइरिस समझ गए। यहाँ पे एक चीज़ जो आपको रेड कलर का दिखे बना दे रहा हूँ, ये जो आपको रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों के बीच में इसी एक तरह का होल होता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पुतली कहते हैं, यानी कि प्यूपिल कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नेत्र द्वार आया। अब उसके बाद ये दोनों के बीच में, यानी कि ये आपको दृष्टि पटल और आइरिस के बीच में एक द्रव्य भरा होता है, ये द्रव्य भरा होता है, इस द्रव्य का नाम क्या है? इस द्रव्य का नाम है एक्वस, AQUEOUS, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्वस ह्यूमर, हिंदी में कहते हैं नेत्रोद। क्या कहते हैं? हाँ समझिएगा, नेत्रोद कहते हैं। ये सब जो है ना, जब यही जो चीज़ है नेत्रोद, जब आप रोते हैं तो आंसू क्या होती है, आंसू के रूप में बाहर गिरती है। ये लड़कियों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, थोड़ा सा आँख में से आंसू गिर जाए लोग समझ जाएगा बहुत ज़्यादा रो रही, यानी इसको बहुत ज़्यादा, ये लड़कियों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, रोने रोती है सब, जानते ही हैं आप, खैर माफ़ कीजिए बच्चों। यहाँ देखिए, ये एक्वस नेत्रोद है, बस मुझे। और उसके बाद ये जो आपको एक्वस ह्यूमर, मतलब आगे वाले जो द्रव्य होता है उसको क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं, यानी कि नेत्रोद कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया?
उसके बाद आप थोड़ा सा और अंदर जाइएगा, देखिएगा ये इसको का एक लेंस लगा है, ये क्या है, एक तरह का लेंस है, ये एक तरह का क्या है, लेंस है। इसी लेंस को क्या कहते हैं हम लोग, क्रिस्टलीय लेंस या फिर नेत्र लेंस कह सकते हैं इसको, नेत्र लेंस कहते हैं इसको, यानी कि आई लेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं हम आई लेंस। इसको बंद के एक और नाम जानते हैं क्रिस्टलीय लेंस, क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं इसको, बात समझ में आया, या फिर इंग्लिश में कहते हैं आई लेंस, बात समझ में आया क्या समझ। और यही जो आई लेंस है ना, हमारे आंखों में जो लेंस लगा होता है, इस ये कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस ही क्यों होता है आगे बताएंगे, यहाँ पे चाहे तो उत्तल लेंस भी लगा सकते थे, लेकिन उत्तल लेंस ही क्यों लगा इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बात समझ में आ रहा। और ये एक मांस का लोथला होता है, क्या होता है, आप जब समझिएगा, मान लीजिए कि एक मुर्गी लाइए, मुर्गी का मुंडी लाइएगा, उसका आँख निकालिएगा और आँख एकदम खड़ा निकालिएगा, देखिएगा फुला हुआ रहेगा, जब उसमें सुई मारिएगा या आप उसको फोड़िएगा तो जो उसमें का पानी होता है, जो लिक्विड होता है वो गिर जाता है, तो क्या होता है, एकदम पचक जाता है, बैलून की तरह, बैलून में हवा रहेगा तो फुला रहेगा, बैलून का हवा ख़त्म पचक जाएगा। उसी तरीके से ये क्या होता है कि जैसे कि हाँ पानी निकल जाएगा तो पचक जाएगा, फिर इसमें के अंदर जो लिक्विड रहेगा तो भर जाएगा, ये कौन सा लिक्विड रहता है ये भी बता रहे हैं अभी हम आपको। पहले लेंस के बारे में समझिए, लेंस से क्या है, एक मांस का लोथड़ा होता है, अब उसको कौन सा टाइट करके रखता है, कौन सा छोटा करके रखता है, यानी कि उसको कौन सा कंट्रोल करता है, कभी पतला होना कभी मोटा होना, ये काम करता है। मान लीजिए कि जैसे कि दूर की चीज़ को देखना है तो पतला हो जाएगा, और नज़दीक की चीज़ को देखना है तो मोटा हो जाएगा, ये कौन इसको कंट्रोल करता है, ये इसको कंट्रोल करता है, यहाँ पर देखिएगा इसमें दो चीज़ यहाँ पर लगा होता है, इसको कहते हैं हम लोग सिलियरी मसल, सिलियरी मसल्स, ठीक है, सिलियरी मसल्स कहते हैं इसको, हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं पक्ष मावी पेशिया, पक्ष मावी पेशिया, ठीक है, पक्ष मावी पेशिया, ठीक है ना, चलिए बात समझ में आ रहा है, यानी कि पक्ष मावी पेशिया यानी कि सिलियरी मसल जो होता है, जो इस लेंस को क्या करता है, लटका के रखता है, और वहीं इसको छोटा बड़ा मोटा ताजा जो भी करता है भाई करने का काम करता है, बात समझ में आए तो हाँ, फिर आगे बढ़े। अब देखिएगा मैंने क्या बोला कि इसमें एक लिक्विड भरा होता है, क्योंकि जैसे बैलून में हवा भरा होता है या पानी भरा होता है, उसी तरीके आँख को फुलाए रखने में इसको एक और एक लिक्विड रहता है, ये लिक्विड जो है मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको कहते हैं विट्रस, क्या कहते हैं, विट्रस, विट्रस ह्यूमर, यूट्रस ह्यूमर को कहते हैं हम लोग कचाव द्रव्य, क्या कहते हैं हम लोग, कचाव द्रव्य, बात समझ में आया, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हो तो उसको क्या कहते हैं, कचाव द्रव्य कहते हैं। अब देखिएगा उसके बाद हमारे पास कौन सा पार्ट बच गया, ये वाला, यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर से मैं बना दे रहा हूँ, देखिएगा ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, यानी इस ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये रेड कलर से मैं जो बना रहा हूँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस रेड वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग रेटिना, क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, बात समझ में आया आपको, इस रेटिना कहते हैं इंग्लिश में इसको, इसको रेटिना, ठीक है, या फिर इसको कहते हैं वो दृष्टि पटल, आई मीन दृष्टि पटल कहते हैं शायद, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, सिलेरी मसल, रेटिना हो गया आपको, रेटिना के बाद आपको आ जाएगा इसको क्या कहते हम लोग, रेटिना कहते हैं, या फिर दृष्टि पटल कहते हैं इसको, दृढ़, इसको क्या कहते हम लोग, इसको कहते हम लोग दृढ़ पटल, क्या कहते हम लोग, दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक है ना, दृढ़ पटल कहते हैं, इसको कहते हैं दृष्टि पटल, क्या कहते हैं हम लोग, दृष्टि पटल कहते हैं, बात समझिएगा, इसको दृढ़ पटल कहते हैं, इसको दृष्टि पटल कहते हैं, बात समझिए, थोड़ा सा अंतर है, दृढ़ पटल मतलब जो व्हाइट वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है उसको क्या कहें, दृढ़ पटल है ना, यहाँ पे दृढ़ पटल इसको मान लीजिए, क्या दृष्टि पटल मत मानिए, इसको मान लीजिए क्या दृढ़ पटल मान लीजिए, ठीक है, यानी कि दृढ़ पटल, ये दृष्टि पटल होता है, ठीक है। अब ये दृष्टि पटल जो है इस पर क्या काम होता है ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये दृष्टि पटल यानी कि रेटिना जो होता है हमारे स्क्रीन का काम करता है, यहाँ से जो भी लाइट जाएगा लेंस पे पड़ेगा, लेंस लाइट क्या करता है इसमें पार करते हुए यहाँ पे भेजता है, तो हमारा आप जानते हैं कि लेंस के बारे में बताया था कि लेंस क्या करता है, एक प्रतिबिंब बनाता है यानी पिक्चर बनाता है, जो यहाँ पे पिक्चर कहाँ बनाएगा, इसी पे बनाएगा,
इसी पे बनाएगा। और ये जो बनेगा ना, इसमें दो तरीके का पेशिया होता है, एक पेशिया इसमें दो तरीके का पेशिया, पहला पेशिया होता है छड़, छड़ पेशिया, दूसरा क्या होता है शंकु पेशिया। बात समझिएगा, ये छड़ क्या काम करता है, यानी कि कितना प्रकाश की लाइट आ रही है ये बताता है, और शंकु पेशिया क्या है कि कौन सा रंग है वो बताता है। बात समझ में आ रहा है, यानी कि अगर आप कितने कोई आया अचानक आपके आँख पर टॉर्च जला दिया, टॉर्च आपके आँख पर जलाया तो अचानक कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है, कितनी प्रकाश की मात्रा है आपको ब्रेन के मैसेज कौन पहुँचाता है, ये छड़ सेल जो है ना, यही यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रॉड सेल, रॉड सेल, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग कोन सेल। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है, बात समझ में आया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये आपको जो कितना लाइट आ रहा है आपके आँख में, कितनी प्रकाश आ रही है, इसकी मैसेज कौन देता है, छड़ सेल देता है, लेकिन कौन सा कलर का आ रहा है, क्या कलर आ रहा है, उसको कौन बताता है, शंकु बताता है, शंकु पेशिया बताता है, कौन सा पेशिया, शंकु पेशिया। वहीं अगर किसी के शंकु पेशिया खराब हो जाता है तो उसको कलर दिखाई नहीं देता है, सिर्फ ब्लैक दिखाई देता है, उसी को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंड। क्या कहते हैं हम लोग, जिसके आँख के रेटिना में जो शंकु की जो पेशिया खत्म हो जाती है तो उसको कलर दिखाई देना बंद हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग शंकु, सॉरी कलर ब्लाइंड कहते हैं, यानी कि जो उसको रंग दिखाई नहीं देता। बात समझ में आ रहा है, चलो एक चीज़ तो ही समझ में आ गया। लेकिन क्या ऐसी जो चीज़ें जो आपके घर में दीवारें हैं तो आप वेंटिलेटर बनाते हैं कि नहीं बनाते, हवा हवा आने के लिए होल लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, उसी तरीके से कोई चीज़ जैसे कि मान लीजिए कि आप घरें बना रहे हैं, बाहर से तार लाना है तो होल तो करते हैं ना, उसी तरीके से, उसी तरीके से हमारी जब सब कुछ बंद हो जाता है तो यहाँ पे एक होल, मान लीजिए कि होल बनता है, क्या बनता है, एक होल बन जाता है कि क्योंकि इसके जो भी मैसेज आए वो कहाँ तक पहुँचे, आपके ब्रेन तक पहुँचे, आपके कहाँ तक पहुँचे, आपके ब्रेन तक पहुँचे, यानी कि जो मान लीजिए मैसेज जो आया